नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई से कानपुर तक चलने वाली मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल फेयर ट्रेन। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन। ये जो ट्रेन है स्पेशल फेयर ट्रेन है और ये मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर शनिवार को कानपुर सेंट्रल के लिए रवाना होती है। 22 घंटे 10 मिनट में ये अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 9 स्टेशंस हैं और 1536 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 70 किलोमीटर पर आवर। इसका ट्रेन नंबर है 04152 और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। सभी में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। कोविड रिजर्व ट्रेन है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे डिवीज़न दो है इसे ऑपरेट करती है और ये जो ट्रेन है इसकी बुकिंग जो है अभी चल रही है और अब IRCTC की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके बुकिंग करवा सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो इसमें फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का किराया चल रहा है तो नॉर्मल ट्रेन से ज़्यादा होगा इसका किराया, जिसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग के कोच हैं। तो मैं जो अभी आपको किराया बताऊंगा वो मुंबई से कानपुर सेंट्रल तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसमें सेकंड एसी के कोच है जिसका मुंबई से कानपुर सेंट्रल तक का टोटल किराया है 2910 रुपये, जिसमें 2674 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 140 रुपये के करीब है। तो ये तो हो गई सेकंड एसी की बात। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के तकरीबन 7 कोचेस हैं जिसका मुंबई से कानपुर तक का टोटल किराया है वो है 2105 रुपये, जिसमें 1916 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 101 रुपये है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है ये अपडेटेड और सही किराया है। बाकी स्लीपर क्लास के इसमें 8 कोचेस हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। मुंबई से कानपुर तक का स्लीपर क्लास का टोटल किराया है वो है 840 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 786 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज है 30 रुपये, टोटल किराया जो है वो है 840 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में जो है वो जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। तकरीबन 7 डिब्बे हैं जिसका मुंबई से कानपुर तक का जो टोटल किराया वो है 415 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है। मैंने IRCTC की वेबसाइट से आपको स्क्रीनशॉट से देकर दिखा रहा हूँ। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेंगे कौन कौन से स्टेशन आते हैं। ये जो ट्रेन है मुंबई कानपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से हर शनिवार को शाम को 5:15 पर रवाना होती है और लोकमान्य तिलक टर्मिनस का स्टेशन कोड है LTT। यहाँ से ट्रेन जो है 22 घंटे 10 मिनट बाद कानपुर सेंट्रल में पहुँचती है और इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं, 1536 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है भूसावल जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 11 बजे पहुँचती है और 11:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और अमरावती मुंबई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन में पहुँचती है रात के 2:55 पर 3 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 730 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर यह कुछ ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है जबलपुर जंक्शन में पहुँचती है। जबलपुर जंक्शन में सुबह 6:15 पर पहुँचती है और 6:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। यहाँ तक की जो दूरी है 975 किलोमीटर के करीब जो ट्रेन कवर कर चुकी होती है और जबलपुर जंक्शन का स्टेशन कोड है JBP। इसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर सेंट्रल स्पेशल फेयर ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन कटनी जंक्शन में पहुंचती है। कटनी जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 7:25 पर पहुंचती है और 7:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर पवन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और मुंबई से कटनी जंक्शन की जो दूरी है तकरीबन 1066 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सतना जंक्शन जो कि मध्य प्रदेश का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर सुबह 8:40 पर पहुँची और 8:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1164 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 12:40 पर पहुँचती है और 12:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1340 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है।
प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश का स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन फतेहपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में शाम के 5:05 पर पहुंचती है और 5:07 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1460 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर सेंट्रल स्पेशल फेयर ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 3:25 पे और 1536 किलोमीटर के करीब जो है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। ये दूरी जो है ये 22 घंटे 10 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं और 1536 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। दोस्तों इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।